नगरी निकाय चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के समर्थन में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान रैली में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। उन्होंने INS 24/7 से बात करते हुए कहा कि शहर की ख्याति प्राप्त डॉक्टर जितेंद्र जामदार को भाजपा ने अपना महापौर का प्रत्याशी बनाया। वो महापौर का चुनाव जीतने के बाद शहर के विकास में एक अहम योगदान देंगे। जबलपुर में नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है और इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक विशाल रैली लेकर कलेक्टर पहुंचने वाले हैं। उसमें शामिल होने केंद्रीय मंत्री भी यहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, फग्गन जी, क्या तैयारी है नगरीय निकाय चुनाव? देखिए, आप देख रहे होंगे हमारे सभी पार्षद अपने अपने वार्डों से अपने समर्थकों को, वहाँ के वोटर्स को लेकर के साथ में एक साथ सामूहिक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट में, निर्वाचन कार्यालय में अलग अलग नामांकन दाखिल हुए हैं। और आज इसे में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी होने वाले हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी उपस्थित होने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक काम होगा, क्योंकि पार्षद और हमारे नगर निगम के जो महापौर के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, वो अपने आप में एक बड़े ख्याति प्राप्त समाज सेवी हैं। और मुझे लगता है कि उनके आप इसी पहचान के कारण पार्टी ने उनको मेयर उम्मीदवार बनाया है। जो लोग आक्रोशित होकर आगजनी कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपील करता हूं कि अगर कोई विषय है तो बातचीत करना चाहिए। इस प्रकार के उग्रवादी संगठनों जैसे व्यवहार करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। इससे किसकी है? सरकार की संपत्ति माने हम आपकी संपत्ति है, ये इससे नुकसान हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको एक बार आकर के बात करना चाहिए, कोई चीज को कहना चाहिए, उसमें सरकार विचार कर सकती है। परंतु इस प्रकार की आगजनी जैसे घटनाएं, ट्रेन रोकना, इस प्रकार का ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कानून को, ऐसे कोई भी लोग हो अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसमें कार्रवाई कर देंगे सर। बिल्कुल, ये थे फग्गन सिंह कुलस्ते जी। इनका साफ कहना है कि जो लोग अग्निपथ को लेकर पूरे देश में आगजनी, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन्हें उन पर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह।